देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 14,000 से अधिक नए मामले। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,95,000 पहुंची। उत्तर प्रदेश में शनिवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो बड़े हादसे, 8 लोगों की जान गई। कल लगने वाला चूड़ामणि योग में सूर्य ग्रहण इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, जो देश के करीब करीब सभी हिस्सों में दिखाई देगा। हरियाणा में कोरोना का टेस्ट अब होगा 2400 रुपए में, सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी। कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के प्लाज्मा थेरेपी हुई सफल। चंडीगढ़ के बाबूधाम से 20 वर्षीय युवती निकली कोरोना पॉजिटिव, साथ ही मोहाली से मिले 5 नए केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 14 हमीरपुर, 8 कांगड़ा, 8 सोलन और 2 बिलासपुर जिले में मिले हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।